प्रदीप मिश्रा जी की प्रथम दिन की कथा तर्पण सी महापुराण कथा के दौरान गुरुदेव ने बताया कि पितृ जब प्रसन्न होते हैं या नाराज होते हैं तो कुछ खास संकेत देते हैं। जीवन में सुख दुख आने का भी पितृ संकेत देते हैं। ऐसे में प्रथम दिन की कथा बहुत खास रही गुरुदेव की। आप चाहें तो इस टॉपिक को सर्च भी कर सकते हैं, गुरुदेव की कथा के ही यह अंश हैं। आप पूरी वीडियो पर विश्वास रखिएगा, कोई भी ऐसा उपाय आप सभी को या कोई ऐसे तथ्य आप सभी को नहीं दिए जाएंगे जो मनगढ़ंत हो। ऐसे में पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम सभी जानते हैं 16 दिनों में हमारे पितृ धरती पर विचरण करते हैं और हमारे द्वारा दान पुण्य तर्पण इत्यादि पिंड दान जो किया जा रहा होता है उसे ग्रहण करते हुए सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितृ अपने लोक की ओर गमन करते हैं। ऐसे में गुरुदेव कहते हैं अगर आपके स्वप्न के माध्यम से यह संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में अब दुख नहीं रहेंगे, अब सुखों का आगमन होगा। सरकारी नौकरी, धन संपदा इत्यादि के लिए जो आप प्रयासरत हैं, जो आप इन पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपसे वह प्रसन्न हैं। अगर आपको स्वप्न में आपको यह दिख रहा है कि आपके पितृ आपके सर के पास खड़े होकर अब कुछ आशीर्वाद का सा स्वरूप दे रहे हैं या सर के पास खड़ा होना पितरों का बहुत शुभ माना जाता है। सपने में ऐसा दिख रहा है कि आपके पूर्वज जो है आपके सर के पास खड़े हो रहे हैं तो समझ लीजिए अब आपके जीवन में खुशखबरी मिलने वाली है, दुखों का अंत होगा। जीवन में जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं वह चीज़ आप पाएंगे। परिवार में कोई तकलीफ चल रही है, रोग इत्यादि हैं तो उनसे मुक्ति होगी। सबसे पहले गुरुदेव यह जानकारी देते हैं। दूसरा यह कहते हैं कि अगर आपके पितृ आपको इस अवस्था में दिख रहे हैं कि थोड़ी सी देर खाली अपनी झलक दिखा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि जीवन में कोई दुख तकलीफ आने वाली है और वह जो है थोड़े से क्षण के लिए रहेगी और गायब हो जाएगी। कि कहने का अर्थ है कि पितृ उस दुख को तकलीफ को दूर कर देंगे तो घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जानकारी यह दी। तीसरी जानकारी गुरुदेव कहते हैं अगर स्वप्न में आपको लगे कि आपको आपके पितृ पेड़ पर चढ़ रहे हैं, किसी डाल में बैठे हुए हैं पेड़ की डाल में या पेड़ पर चढ़कर कोई क्रिया कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में दुखों का अंत होने वाला है। अब जीवन में आपको बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने यह तीसरी जानकारी बहुत विशेष बताई। चौथी जानकारी आपको लगे कि आपके पितृ आपके पूर्वज आपके जो मृत व्यक्ति हैं वह पैर के पास खड़े हो जा रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं तो यह संकेत जाता है कि आपके पितृ बता रहे हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना कोई ऐसी बात कोई जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा बुरा सुनने को या दुख तकलीफ मिलने के जो है ऐसा संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जीवन में कोई छोटी मोटी परेशानियां आने वाली हैं। चार जानकारियां गुरुदेव ने दी। इसके साथ ही शास्त्र कहता है अगर स्वप्न के माध्यम से ऐसा कुछ लगे कि दुख तकलीफ हो रही है, हालांकि यह जानकारी गुरुदेव ने दी इसके बाद की, मैं अपने ज्ञान के अनुसार बता रही हूँ जैसा गुरुदेव ने अन्य कथाओं में बताया। गुरुदेव कहते हैं कि कोई बुरा सपना आए तो उसे तत्काल जो है तुलसी के पेड़ के पास बोल देने से उस स्वप्न का प्रभाव कम हो जाता है। पिछली कई कथाओं में गुरुदेव ने यह जानकारी हम सभी को दी। और साथ ही कोई सुख हो दुख हो प्रभु के भजन में निरंतर लगे रहना है, किसी भी दुस्वप्न या स्वप्न के माध्यम से अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रभु की भक्ति में निरंतर लगे रहना है, देना लेना प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में जो है हमें वह करना है, अपने सुकर्म हमें निरंतर रूप से बनाए रहना है। किसी भी दुख तकलीफ को आने से पहले ही हमें प्रभु से यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु जीवन में दुख आए सुख आए हमें उस दुख और सुख को झेलने की क्षमता देना, जीवन में हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना भगवान के ऊपर और हमेशा प्रभु की भक्ति को निरंतर आगे करते रहना है। ज्ञान भजन तप व्रत पूजा पाठ के कार्य को निरंतरता से अपने जीवन में उतारते रहना है। हर हर महादेव। जय माता दी।